नोटिस में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पधारे। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल सोलन और जिला सोलन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस मंडल के सम्मान्य अध्यक्ष भाई मदन ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी सोलन विधानसभा क्षेत्र के मेरे साथ हैं। मेरे साथ जिला के सम्मान्य कोषाध्यक्ष भाई लक्ष्मी ठाकुर जी, ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हैं। मेरे साथ भाई धर्मेंद्र ठाकुर जी जो कार्यालय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन के, वो भी हैं हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। मेरे साथ भाई धर्मेंद्र ठाकुर जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोलन मंडल भाजपा, ये भी इसमें आईटी के सह संयोजक जिला के भाई आरुष गुप्ता जी, ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ रहेंगे। हमारे बीच में नरेश गांधी जी जो कि मीडिया का प्रभार देखते हैं मंडल सोलन का, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हैं। आज की जो प्रेस वार्ता यहाँ रखी गई वो मुद्दा है नगर निगम और नगर निगम के अंदर जो भेदभाव और विधानसभा के साथ जो सरकार का भेदभाव आपदा को लेकर के है, इसको लेकर के हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी है। उसके बाद ये संयुक्त वार्ता है, इसमें मदन जी भी अपने कुछ विधानसभा के मुद्दे रखेंगे। पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि कांग्रेस सरकार आपदा 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 करती रह रही है और आपदा के नाम पर जो दोहरा रवैया यहाँ पर प्रदेश में अपना रही है, वैसा ही दोहरा रवैया हमारे सोलन विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखने को मिला। आपको जैसे मालूम है कि पिछले दिनों आपदा आई, भारी बारिश के कारण बड़ा दुखद रहा कि कईयों के मकान ढह गए, कुछ लोग घर से बेघर हो गए और बहुत दुखद था, कुछ लोगों ने तो अपने परिवार तक खो दिए। कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है, मुझे लगता है झूठ ढोंग और फरेब, ये तीन चीजें अपने सरकार चलाने में लगा रही है। झूठ है, ढोंग है और फरेब है। शुरू में वादे किए 1500 रुपये महिला को देंगे, किसी को नहीं मिला। बिजली फ्री देंगे, किसी को नहीं मिली। फिर आपदा आई, आपदा भारतीय जनता पार्टी भी आपदा में सरकार के साथ खड़ी रही, जो हर संभव मदद हुई हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात की, होम मिनिस्टर साहब से बात करी, जेपी नड्डा जी तीन तीन बार इस प्रदेश के अंदर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुराग ठाकुर जी इस प्रदेश के अंदर भ्रमण करके गए, डॉक्टर राजीव बिंदल जी एक एक स्थान पर खुद गए जहां पर आपदा रही। पर जो प्रदेश सरकार की ये दोगली नीति है, हम इसके खिलाफ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां कर रहे हैं। सोलन नगर के अंदर भी बड़ा वार्ड के अंदर बड़ा नुकसान हुआ, उस नुकसान का एक एस्टीमेट बनाया गया और एस्टीमेट बना करके डीसी सोलन को भेजा गया। उसमें नगर निगम ने जो मांग की थी, सारा तारा वार्ड जो हैं वो नगर निगम में आते हैं, इस विधानसभा नगर निगम है, शिमला नगर निगम है, पालमपुर नगर निगम है, धर्मशिला नगर निगम है, मंडी है, सोलन है, सब जगह से अपने अपने यूएलबीज ने एस्टीमेट बना करके जिला अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार को भेजा। मजे की बात यह है कि जब एमसी सोलन 3,80,00,000 रुपए की डिमांड करती है, 3.5 करोड़ रुपए की, और डीसी सोलन उसी डिमांड को 3,80,00,000 रुपए की प्रदेश सरकार को भेजते हैं और शिमला नगर निगम को 10 करोड़ रुपया वो देते हैं और सोलन को वो देते हैं 58,00,000 रुपए। क्या हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी आपदा में आपके साथ खड़ी है? ये ढुलमुल रवैया यहां से आपके कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल जी हैं, स्थानीय विधायक भी हैं। शिमला को आप 10 करोड़ रुपए दे रहे हो पर नगर निगम इस विधानसभा क्षेत्र के शहर के लोगों को आप 58,00,000 रुपए दे रहे हो, जिनके यहां मकान गिरे हैं 17 वार्ड के लिए 58,00,000 रुपए, और आप कह रहे हो कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करे। एनएचआई अगर रोड गए हैं हाईवे के तो वो एनएचआई उसको रिकवर करेगी, उसको बनाएगी। अगर ऊपर जाकर के अगर बॉर्डर रोड्स डैमेज हुए हैं तो उसको बीआरओ रिपेयर करेगी।
अगर रेलवे लाइंस रूटी हैं तो उसको रेलवे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। NHIV गडकरी के अधीन है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो संभव होगा हम करेंगे। गडकरी ने तो और बढ़ के आगे कहा है कि हम 100 मीटर का और भी जो रास्ता होगा, जो स्टेट हाईवे से लगता होगा, हम उसको भी वहाँ ठीक करेंगे। तो आपको जो केंद्र सरकार ने राहत दी, उसके बाद वो राहत जा कहाँ रही है मुझे समझ नहीं है। आपको लोकल बॉडी नगर निगम आपसे कह रहा है कि हमें 3.5 करोड़ चाहिए, DC साहब बोलते नहीं मैं इससे बढ़कर भेजता हूँ, 3.8 करोड़ रुपए उन्होंने मांगे। शिमला नगर निगम को आपने 10 करोड़ दिए, सोलन नगर निगम को 58 करोड़ रुपए आप देते हो, क्या शहर 58 लाख रुपए देते हैं? 58 लाख रुपए से 17 वार्डों में काम कैसे हो? आपने पटवारियों के माध्यम से एक एक चीज आपने लिख करके ली, हर एक प्रत्येक वार्ड के सदस्य ने पटवारी को साथ लेकर के आपको रिपोर्ट भेजी, रिपोर्ट भेजने के बाद उस पर एक आकलन किया गया। क्या ये दोहरी राजनीति नहीं है? ये क्या सोलन के साथ भेदभाव नहीं है? जबकि यहाँ पे कैबिनेट मंत्री भी हैं और प्रदेश सरकार पे हम आरोप लगाना चाहते हैं कि ये सोलन विधानसभा के साथ यहाँ भेदभाव का रवैया अपना रहे हैं। इसे कांग्रेस सरकार तुरंत बंद करे, और जो डिमांड सोलन नगर निगम ने और सोलन के बाशिंदों ने, जो नगर निगम काउंसलर्स हैं, उन्होंने की है, वो उनको देनी चाहिए। उसके अलावा इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जिन लोगों के घर गिर गए, जो अपने घरों से उजड़ गए, जो लोग तो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं, उनको तो आप रेंट दे रहे हो, उनको रेंट दे रहे हो, और जो लोग अपने अपने किसी रिश्तेदार के चले गए या अपने आप सेल्फ उन्होंने कोई अकोमोडेशन ढूंढ ली है, आप उनको एक फूटी कौड़ी नहीं दे रहे? ये कैसा भेदभाव है? वहां पर भी पिक एंड चूज हो रहा है, वहां पर भी आप ये देख रहे हैं कि ये BJP का है, ये कांग्रेस का, ये भेदभाव क्यों? और ये सोलन के अंदर ही हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं मानता हूं, मुझे लगता है पूरे प्रदेश के अंदर ही हो रहा होगा। हम तो अपने विधानसभा की बात करेंगे, अपने जिले की बात करेंगे। अगर ये हो रहा है तो ये गलत है। जो लोग अपने सेल्फ अकोमोडेशन में गए हैं, आप उनको भी ये रेंट अकोमोडेशन का जो खर्चा है, भाड़ा है, वो दीजिए। उसके बाद आपने एक कई घोषणा और कर दी कि जिनके मकान गिरे हैं उनके अगर नक्शे पास होंगे, हम उन्हीं को 2-2.5 बीसवें जगह देंगे, अन्यथा हम उनको किसी को भी कोई भी लैंड गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया नहीं कराएंगे। आपकी सरकार झूठ, फ्रेब और मकारी से चल रही है, भेदभाव के साथ चल रही है। इस मकारी और भेदभाव को आप या बंद कीजिए। जो डिमांड आपको भेजी गई है, ये डिमांड देखिए, मेरे पास कागज है, इस ऑफिशियल लेटर में उन्होंने 58 लाख रुपए दिए हैं और ये बाय ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर इन्होंने भेजे हैं, और डिमांड का जो लेटर है वो मेरे पास व्हाट्सएप पे है, मैं आपको दे दूंगा, वो भी DC साहब ने भेजी 3.8 करोड़ रुपए की। 58 लाख रुपए आप दे रहे हैं, ये भेदभाव। मेरा यही विषय था, मैं अब आग्रह करूंगा, मेरे साथ मंडल अध्यक्ष जी भी हैं, कुछ विधानसभा के मुद्दे ये भी रखेंगे भाई मदन जी। धन्यवाद भरत जी। वैसे तो सारी बात भरजी में रखती है, परंतु एक जो गंभीर विषय है, जब से सरकार बनी है तो 10 महीने सरकार ने यही रोना रोया कि खजाना खाली है। और सोलन विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और पिछले 10 सालों से विधायक हैं, 11वां वर्ष उनका चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ा काम करने में अभी तक जो है वो असफल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले प्राकृतिक आपदा आई तो 2-3 महीने उसमें कार्य प्रभावित हुए, और अभी जिला परिषद जो काडर है उसके सारे जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर है, और करीब करीब 4700 लोग जो हैं वो हड़तालों पर हैं, जिससे पंचायत का सारा कार्य जो है वो प्रभावित हो रहा है। जन्म मृत्यु के जो प्रमाण पत्र हैं वो सचिव से वेरिफिकेशन होकर के जाते हैं, सारे कामकाज इनके माध्यम से जाते हैं, तो इनके TA JEE सब लोग हड़ताल पर बैठे हैं। और इस सरकार ने उनके साथ भी वादा किया था कि आपको हम जैसे ही सरकार बनेगी, पहली ही कैबिनेट में आपको हम रूरल डेवलपमेंट या पंचायती राज में आपका जो जिला परिषद काडर है
उसको मर्ज किया जाएगा। लेकिन जैसे 10 गारंटियाँ उन्होंने पहले दी है वो भी एक भी पूरी नहीं हुई है, और जिला परिषद के जो हमारे काडर के लोग हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि जनता के हित को देखते हुए उनकी समस्या का समाधान किया जाए और उनकी बातों को माना जाए, उनकी जो डिमांड है उसको किसी न किसी तरीके से आप उसको गंभीरता से लें, और जो कार्य प्रभावित हो रहे हैं, पहले ही 2 महीने हम काम नहीं कर पाए पंचायतों में प्राकृतिक बाढ़ आने की वजह से, आपदा आने की वजह से, लेकिन अब हालत ये है कि पंचायतों में कोई भी कर्मचारी नहीं है और उससे आम जनमानस को जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा लोगों में उसके प्रति जो रोष है। मेरा सरकार से ही निवेदन है कि आप इसके प्रति जो है गंभीरता दिखाएं। और सोलन विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हॉस्पिटल की अगर हम हालत देखें, मेरे चायल क्षेत्र में एक भी नर्स हॉस्पिटल में नहीं है, PN नहीं है, स्वीपर नहीं है। हमने पहले भी कहा, डिमांड की थी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आप इस विषय में जो है गंभीरता दिखाएं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पर रिक्त पद पड़े हैं सोलन में भी उसको भरने की कृपा करें। मेरा इतना ही कहना था कि जो हमारे विधायक जी हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति को तो बढ़ाएं ही, लेकिन साथ में जो आपका काम है, जिस तरीके से आप प्रदेश में एक अच्छे अहदे पर हैं, कैबिनेट मंत्री है, उस तरीके से आपके जो काम काज है वो सोलन विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पा रहे हैं, तो आप भी अपने उससे काम करें और सोलन विधानसभा क्षेत्र को विकास की दृष्टि से आगे ले जाने की कृपा करें। इसके संबंध में अगर आपने कोई प्रश्न पूछना हो जिला परिषद कार्डर तो उसके लिए हम आपके समक्ष बैठे हैं। अगर आपको कोई प्रश्न, आपकी सूची है उन लोगों की जो प्राइवेट घरों में रह रहे हैं, उनको किराया नहीं मिल रहा है, कितने लोगों की सूची? सतीश भाई, सूची तो प्रशासन को लेनी है और प्रशासन के बाद सूची उन्होंने दे भी दी है, जो शांति में कुछ घर हैं, कुछ और जगह घर है, उन्होंने सूची प्रशासन को दे रखी है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ यहाँ रह रहे हैं। जो प्रशासन जिनको घर दे रहा है वो उन्होंने अकोमोडेशन गवर्नमेंट की दी है, ठीक है, पर आप उसके साथ उनको रेंट दे रहे हो वो भी ठीक है, पर जो लोग अपने अकोमोडेशन से रह रहे हैं, किसी ने सिंगल रूम ले लिया, किसी ने 2 रूम ले लिया, वो प्रशासन के पास सूची है, पर हमें उनसे उन्होंने संपर्क किया, हमने आपको बताया, वो एक या दो परिवारों ने हमसे संपर्क किया कि ऐसा हो रहा है कि आप इसको बात को रखिए। और ये बड़ा भेदभाव वाला रवैया है कि आप एक को तो रेंट दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे, वो देना चाहिए, ऐसा हमारा भारतीय जनता पार्टी का। साहब, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कौन से लोग हैं जिनको पिक एंड चूज का शिकार किया गया है मुआवजे में, रात में जो आपने कहा है? देखिए ऐसा है भाई साहब, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ऐसी परिवार हैं जो व्यक्तिगत तौर पे हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना रख करके हमने प्रशासन को अवगत करा दिया है कि ये कुछ परिवार हैं जिनको आपने भेदभाव के रवैये से। कितने परिवार होंगे? एक दो तीन परिवार होंगे, परिवार तो चाहे एक है चाहे दो है, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, आपदा सबके लिए है, भगवान ना करे ऐसी आपदा फिर आए, हम प्रदेश सरकार के साथ आपदा में खड़े रहे, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहे, पर जिस तरह से वो भेदभाव कर रहे हैं, 2 या 3 परिवार सोलन में है, अगर आपको हमसे सूची जो हम नंबर दे सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को शिमला नगर निगम को 10 करोड़ रुपए देने पे ऐतराज है या, क्योंकि नुकसान तो वहाँ भी बहुत ज्यादा हुआ है? नहीं, ऐतराज नहीं है भाई साहब, आपदा में हम ऐतराज नहीं करेंगे, हम कहेंगे और दो, ऐसा ना हो कि उनको भी 10 करोड़ दिए उनकी डिमांड भी 20 करोड़ हो। हमें तो ये पता है कि उनको 10 करोड़ दिए आपने, उनकी डिमांड हो सकती है ज़्यादा, हो सकता है उनके 5 करोड़। हमें ये पता है कि सोलन नगर निगम से DC साहब ने 3 करोड़ 80 लाख की मांग की उनके कागज में, और आप 58 लाख रुपए दे रहे हैं, वो गलत है। आप और ULBs को दीजिए, उतना जितना उनका नुकसान है उनको भी दीजिए। हमारे जिले के अंदर बद्दी भी है, उनकी MC भी होगी, नालागढ़ भी MC हो गई, अर्की भी MC हो गई, किसी के साथ भेदभाव ना कीजिए, आपदा सबके लिए है, सबके घर टूटे हैं, बड़ा दुखदाई है। वार्ड्स के अंदर जा करके आप जाइए, कहीं रास्ते टूटे हैं, कहीं डंगे गिरे हैं, बहुत सारा नुकसान वार्ड्स में भी, आप 13 नंबर वार्ड में चले जाइए, वहाँ तो पूरे के पूरे डंगे रास्ते ही चले गए, और भी ऐसे कई जगह है, 7 नंबर वार्ड में चले जाइए, ठीक है, जो मकान गिरे हैं टूटे हैं उसके ऊपर आप करेंगे, अभी तक आपने नहीं कुछ किया पर आप कह रहे हैं हम करेंगे,
जब वो ग्राउंड रियलिटी सामने आएगी तो उसमें भी बहुत कुछ निकलेगा। पर अभी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि डिमांड 3,80,00,000 की गई थी, आपने सिर्फ 58,00,000 रुपया दे दिया 17 वार्डों के लिए। मैं कहता हूं कि विधानसभा के अंदर पंचायत भी है, मेरे साथ BDC के ये हमारे वाइस चेयरमैन है, ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं। ये क्या है? ये बताएंगे भाई साहब कि पंचायतों में क्या चल रहा है, जरा लक्ष्मी भाई आप भी बताएं। एक सवाल मेरा मंडल अध्यक्ष जी से है, नगर निगम में अब मेयर और ड्यूटी मेयर का चुनाव होना है, तो भारतीय जनता पार्टी मेयर और ड्यूटी मेयर का चुनाव लड़ रही है या नहीं, क्योंकि आपके 4 पार्षद दबाव डाल रहे हैं कि हमने चुनाव नहीं लड़ना है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरे प्रकरण पर नजर रखे हैं और हमारे साथ जो पार्षद हैं वो इकट्ठे हैं और जैसे समय आएगा तो उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी पार्टी का स्टैंड क्या है कि आपने चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या वक्त देना चाहते हैं आप फ्रेंडली मैच के? नहीं, फ्रेंडली मैच तो कोई नहीं है, हमने आपको बता दिया कि समय बताया था कि हम जैसे एक इशारा नहीं चाह रहा कि नहीं लड़ना है, इस विषय में हम शीर्ष नेतृत्व से बात करके जो है वो अगला स्टेप क्या होगा उसके बारे में आपको। शीर्ष नेतृत्व इस मामले को देख रहा है और पहले इसको जो है उस शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। दम खम से लड़ेंगे ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। आपके आधे पार्षद तो शिमला गए नहीं, बैठक में बुला रखे थे? नहीं, ऐसा नहीं है, शिमला का सोलन में बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं और पूरी परिस्थितियों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में इतनी जबरदस्त फूट है धनबादी में कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी अलग अलग बैठकें करनी पड़ी। एक धड़े की बैठक आपकी बिजली बोर्ड के रेस्ट हाउस में होती है और दूसरे धड़े की जुटोला शगुन पैलेस में, क्या वजह है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कि दो दो धड़ों की बैठक अलग अलग हुई है। अलग अलग हुई हो तो मैं तो आपको बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें शीर्ष नेतृत्व भी इन्वॉल्व है और वो इस मामले को देख रहे हैं। आपके युवा मोर्चा के आपने केंद्रीय अध्यक्ष बना दी? नहीं, कोई 3 अध्यक्ष ने बनाया है, अरुण ठाकुर को अध्यक्ष बनाया है। उससे पहले जो दोनों सर्वसम्मति थी? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और बड़ा परिवार होने के नाते सबकी अपेक्षाएं रहती हैं, तो हमने आपस में बातचीत करके इस जो मामला था उसको मतभेद उसको दूर करके सुलझा लिया और एक अध्यक्ष कोई दिक्कत। जो आप नगर निगम को कह रहे थे पाल भाई, नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं और दमखम से वहाँ पर लड़ेंगे, ऐसा चुनाव लड़ेंगे, बात ही ना बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व जिसको देख रहा है इसको लड़ेंगे। जैसे ही शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसके अनुसार आगे रणनीति करेंगे। रणनीति नहीं बनाएगी अभी, रणनीति 2 दिन चुनाव है। देखिए हमने बोला ना कि परिस्थितियां हमारे परिस्थितियों पर नजर है जी, परिस्थितियां वैसी की वैसी है, पहले भी आप 7 या 8 जितने थे आज भी वही है, पहले भी आप नहीं 7 से 8 तो हो नहीं सकते ना, 7 थे आप 7 ठीक है, आपका इंडिपेंडेंस भी आपके साथ था उस समय भी, परिस्थितियां जैसी पहले थी वैसी नहीं आ रही, लेकिन अब ये इस बातों को लेकर रूप चलावा है आईजी स्टेट फॉरवर्ड अब क्यों, उस समय तो सीधे कैंडिडेट आए थे, अब क्या हो गया, मतलब नहीं जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है वर्मा जी, ये मामला शीर्ष नेतृत्व के पास है, मैंने पहले भी कह दिया और इस पर पूरी नजर रखी हुई है, जैसे समय आएगा आपको बता देंगे। भाजपा को क्रॉस वोटिंग का खतरा लग रहा है? नहीं नहीं, कोई क्रॉस लोगों से क्रॉस वोटिंग का खतरा तो कांग्रेस को भी हो सकता है, वो तो दोनों क्रॉस वोटिंग का खतरा तो कांग्रेस के अंदर ज्यादा लग रहा है। यहाँ पर लग रहा है ऐसा ना हो कि कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा ही वोट पड़ जाए और बीजेपी के लोग, अगर चुनाव में जाने की नौबत आएगी तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नौबत तो आई हुई है, क्या नौबत आएगी? देखिए अपना मेयर और डिप्टी मेयर का कैंडिडेट देंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट देगी और शीर्ष नेतृत्व इस पे सारा विचार विमर्श कर रहा है और जल्दी आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, जो ये नगर निगम के अंदर एक ग्रांट भी वापस मांग ली गई है, इस पे आप ऐड कर लीजिए, जो एक ग्रांट दी गई थी जो वित्तीय की, वो ग्रांट भी प्रदेश सरकार ने वापस मांग ली है और वो ग्रांट भी वापस ले रहे हैं आप, उसके साथ साथ आप पैसे भी कम दे रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नगर निगम के अंदर जो पार्षद है वो अपना ये कैसे चलाएंगे जो बरसातों के अंदर नुकसान हुआ है। और लक्ष्मी जी बोल रहे थे आपके पार्षद और वरिष्ठ भाजपा नेता कह रहे हैं कि भी
ना हमारी सरकार है ना हमारे पार्षद ज्यादा है, फिर हम कैसे लड़ना नहीं चाहते। वो उनका पर्सनल कुछ भी हो सकता है, व्यक्तिगत राय हो सकती है, व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं। पार्टी दमखम से लड़ेगी, हम सारे इकट्ठे हैं और आपको जल्दी इस बारे में अवगत करा दिया जाएगा। पार्टी शीर्ष नेतृत्व लगाया, मदन जी ने जैसे बताया, पार्टी दमखम से अपना मेयर और डिप्टी मेयर कैंडिडेट देगी, ऐसा मानते हैं।